Communication Mastery by Rahul Bhatnagar presents the India's biggest online public speaking championship. This is my official entry for round 2. Hello everyone, I am Mohammad Anas, your friend and little motivational speaker. So ladies and gentlemen, do your work so silently. Remember, do your work so silently and let your success make the noise. जी हाँ, मेहनत ही एक ऐसी चीज होती है कि जिसका फल हमें मिलता ही मिलता है। और इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपने पैशन के पीछे, अपने जुनून के पीछे उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया कि आज उनकी कामयाबी शोर मचा रही है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं। और इन्हें में से ही एक ऐसा लड़का था जो दलित परिवार का होने की वजह से उसे सारे समाज में नीचा दिखाया जाता था, और स्कूल में भी उसे जब पढ़ाया जाता तो क्लास के बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता था। लेकिन उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, बट उसके घर में रोशनी न होने की वजह से वो बाहर सड़कों पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। लेकिन एक दिन उसी पढ़ाई के उसके जुनून ने उसे एक दिन विदेश लेकर गया, और जब वो विदेश से वापस लौटा तो उसने काफ़ी सारी लॉ की डिग्रियां हासिल कर ली थी। और उसी लड़के का लिखा हुआ संविधान आज हमारे भारत देश में लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई के लगन में, अपनी पढ़ाई के इस जुनून को उन्होंने इतना बरकरार रखा, उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज उनकी भी कामयाबी शोर मचा रही है। और ऐसे कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत को इतने पागलपन से किया है, इतनी पागलपन से उन्होंने मेहनत की है कि आज उन्होंने ही इतिहास रच दिया है। और दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि ये सब तो महान लोगों की बातें हैं, और उस वक्त तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनके पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्हें इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बट मैं आपको आज के ज़माने का ही एक एग्जांपल देता हूँ, वो है सौरभ भटनागर। जी हाँ दोस्तों, सौरभ भटनागर सर जब अपने किसी एक प्रोजेक्ट के काम में लगे हुए थे, तब वो अपने काम में इतना बिजी हो गए थे, इतना मशगूल हो गए थे कि वो लगातार 6 दिन तक उन्होंने अपने सिर्फ एक ही टी शर्ट पर उन्होंने लगातार 6 दिन निकाले। और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उन्हें चाय वाला समझने लगे थे। और ऐसा नहीं था कि उनके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे या फिर उनके पास शेविंग करने के लिए पैसे नहीं थे, ये सारी फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल थी। बट वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट थे, इतने सीरियस थे कि उन्होंने रात दिन एक कर दिए अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उन्होंने एक इतनी हार्डवर्क की और आज रिजल्ट आपके सामने है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने काम में पूरा 100% देना होगा। आपको कई सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक सोशल मीडिया पे वर्क करते हो, आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना ही होगा, चाहे फिर ये लोग आपको कुछ भी क्यों ना कहे। क्योंकि जब आप अपने काम को पूरी लगन के साथ और पूरी खामोशी के साथ करोगे तो याद रखना, एक ना एक दिन आपकी कामयाबी भी ज़रूर शोर मचाएगी। थैंक यू।